कम अगेन सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। आज का व्लॉग मैं 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बने रहते हैं हमारे व्लॉग के साथ। मेरे पीछे कौन छुप रहा है? ये वीडियो में नहीं आना चाहते, पता नहीं वीडियो से डर लगता है या फिर शर्म आ रही है। आज कहीं है माया भाई साहब? तो माया भाई साहब यहाँ पे तिरंगे से खेल रहे हैं। आज 26 जनवरी है तो माया भाई साहब स्कूल तो जा नहीं पाए क्योंकि इनके पैर में चोट लगी हुई है, पैर जल गया दूध से, इसलिए स्कूल नहीं जा पाए तो यहीं पे खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो माया भाई साहब? बाहर बैठे हैं धूप में, धूप बहुत ज्यादा लग रही है। झंडो कटे कौन लाया? झंडो कैसे लाया? झंडो छोटा छोटा झंडो है। तो आप सबको भी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो मैंने कुछ रील्स बनाई, रील्स बनाते हुए मुझे को एक नोटिफिकेशन आया मेरे मतलब व्लॉग पे। भाईसा ने कमेंट किया है, उनकी आईडी शायद बैलेंस माजिसा ऐसा करके कुछ है, उनका नाम है अरुणा। मैं उनका कमेंट या शो कर रही हूँ, आप देख सकते हो। इन भाईसा ने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखकर, इतनी बड़ी लाइनें लिखकर मुझे बहुत अच्छा फील करवाया। इन्हीं कमेंट्स से हमें मोटिवेट होते हैं और ऐसे कमेंट्स से ही हमें जिज्ञासा मिलती है। लोगों के मतलब कोई नेगेटिव भी बोलता है, कोई पॉजिटिव भी बोलता है, मैं पॉजिटिव कमेंट्स पे ध्यान देती हूँ। तो भाई साहब आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। आपके कमेंट पढ़ के मुझे भी ऐसा लगा कि मैं मतलब कुछ कर सकती हूँ और आगे बढ़ के कुछ कर सकती हूँ। तो जीजा मेरा यही कहना है आपसे, मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ कि थैंक यू जीजा सपोर्ट के लिए। आप सबके सपोर्ट से ही सब कुछ हो पा रहा है। तो इन जीजा ने नहीं, बाकी ऐसे बहुत से कमेंट आए हुए हैं जिससे मतलब मेरी जिज्ञासा बनी रहती है, मेरी रुचि रहती है। वरना ऐसे बहुत से नेगेटिव कमेंट्स हैं जिससे मतलब दिल टूट जाता है। ऐसे लगता है जैसे मतलब छोड़ो यार ये तो दुनियादारी, ऐसे मतलब अजीब सा फील होता है। फिर बाद में ये ऐसे कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपके ही मतलब सपोर्ट से मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। शाम भी होने लग गई है तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बने रहते हैं हम अपने ब्लॉग में। पर अभी नीचे कोई है नहीं, बाकी सब बाहर गए हुए हैं घर से। तो अभी समझ में भी नहीं आ रहा है क्या काम कर, खाना बनाना है तो थोड़ी देर बाद में बनाऊंगी। तो फिर मैं अभी थोड़ी बाहर होके आती हूँ। तो फिर ये बाहर निकलते इसी अवर्षिका और माया भाई सब भी आ रहे हैं, ये हाथ में स्लेट लेके आ रहे हैं। तो ये दोनों बोल रहे हैं कि मुझे बॉसा ने भेजा, मतलब मेरे बॉसा इनके नानी सा दादी सा, तो बोल रहे हैं कि उन्होंने भेजा है, बोला है कि मंजू दीदी के पास जाओ, वो तुझे कुछ लिखना सिखाएंगे। तो मैंने इन दोनों को यहाँ बिठा दिया है स्लेट देख के। तो ये थोड़ी देर बैठे फिर वापस खेलने चले गए, ठीक से बैठे ही नहीं। फिर मैं भी थोड़ी देर इनके पास बैठी रही, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। क्यों हाय कर? हाय गाइस, माया माया
हाय बच्चा पार्टी, हाय बच्चा पार्टी। टाइम की पढ़ाई हो रही है कहीं लिखे वर्षिका है? कहीं वर्षिका कहीं लिखे कहीं लिखुड़ो है कैसे कबूतर कैसे कबूतर बोल कबूतर। अब यहाँ से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेके जाऊंगी। यहाँ पे बस सुबह से लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। पास में बोल्डी लगी हुई है, देखो कितने सारे बोर हैं। शाम का नजारा देखो कितना अच्छा होता है, चारों तरफ ऐसे मतलब पक्षियों की आवाजें। लाग जाना धीरे धीरे करिए हैं। मैं बस तब तक डूब जाई, दौड़ो मत ना। तो फिर खाना हो भी गया और खाना खा भी लिया। मैं प्रॉपर सूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी, और दूसरी बात मैं फोन नीचे लेके नहीं गई थी इसलिए मैं प्रॉपर सूट नहीं कर पाई। तो बस सोने का टाइम हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट डे में, देखते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा सूट नहीं हो पाया तो मैं कल के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फिर कल तो मैं प्रॉपर सूट नहीं कर पाई थी और मुझे लगता है मैं आज भी सही से सूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने सुबह से ही ऐसी शुरुआत की। मैंने सुबह झाड़ू वगैरह निकाल के सब काम ख़त्म कर दिया, अब ऊपर भी आ गई हूँ फिर भी मैं प्रॉपर सूट नहीं कर पाई। तो फिर गाइज जैसा भी है उसमें आप बने रहना, देखते हैं फिर आगे आगे क्या होता है। तो फिर रूम में आए हुए काफ़ी देर हो गया और मुझे पता ही नहीं चला कब डेढ़ बज गई और ना ही मैं कुछ आज सूट कर पाई हूँ। बस बात कॉल पे ही बातें करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। पहले मम्मी से बात की, फिर ना फ्रेंड का कॉल आ गया क्लासमेट का, तो फिर उनकी उनसे बात की। तीन चार फ्रेंड है, दो तीन तो मैरिड है और एक अभी सिंगल है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमने यही प्लान बनाया कि कब मिल रहे हैं, बस उनसे मिलना है। और उन्होंने बोला है कि मतलब हमसे जो मैरिड है उनसे पार्टी लेनी बाकी है शादी की, तो फिर उसी के बारे में बात की और कब मिल रहे हैं ये सब भी सोचा है। तो देखते हैं फिर कब मिल पाते हैं। और बहुत सारी मतलब एक घंटा डेढ़ घंटा निकल गया उनसे बातें करते करते, पता ही नहीं चला कब मतलब बात ख़त्म हुई, कब शुरू की कब ख़त्म हुई कुछ भी पता नहीं चला। मतलब पुरानी बातें याद आ गई स्कूल टाइम की, तो फिर क्या बताऊँ यार उस टाइम की फीलिंग, मतलब ये मैं शब्दों में कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ। इतनी सारी बातें की हमने और स्कूल टाइम की इतनी सारी मतलब यादें, क्या यार आज तो बातों में पूरा दिन ही निकल गया। अब मुझे नहाना भी है तो काफ़ी लेट हो रही हूँ मैं।
बात तो हम यही हमने किया कि हम मिल रहे हैं, बस मिलने का प्लान बनाया, बातें करने का। तो फिर कभी मिलूंगी उनसे भी मैं, तो कभी मिलने गई तो फिर सोचा है, अभी तक तो अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो कभी जाएंगे फलोदी तो उनसे मिलेंगे, तो आपको आपको भी मिलूंगी उनसे। मतलब मन कर रहा है मेरा तो अभी भी चली जाऊँ, मतलब इतनी याद आ रही है स्कूल की, क्या बताऊँ यार। स्कूल टाइम वो मस्ती वगैरह, वो लड़ाइयाँ अलग ही थी, वो अब बातें नहीं रही, खैर छोड़ो। आज का व्लॉग मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात तो मैं बताना भूल गई कि मेरी शादी का एल्बम आ गया है, तो किस किस को मेरी शादी का एल्बम देखना है उसका भी मैं व्लॉग अलग से शूट करूँगी, कमेंट करके जरूर बताना।